नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज मैं बताने वाला हूं कि ध्यान की विधि क्या है या ध्यान कैसे करें। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में मैंने बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बेनिफिट्स बताए थे और वो बहुत सारे और बहुत ही यूजफुल बेनिफिट्स हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के में ऐड कर दूंगा। दोस्तों, ध्यान करना बहुत ही आसान है। लोग इसको बहुत ही बोरिंग और एक बहुत ही मुश्किल काम समझते हैं, जो कि गलत है। ध्यान करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और ये हमारे डेली यूज में और रूटीन वर्क करने में हमारी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो ध्यान करना सीखना सबको चाहिए और करना भी जरूर चाहिए। तो मैं बताता हूँ ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान करने के लिए पहले आपको बैठना होगा। कहीं भी आप बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, कमल आसन में बैठ सकते हैं, या फिर सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि आलती पालती बैठ मारकर हम कहीं भी बैठ सकते हैं, जहां पे आपको आपके बॉडी पे कोई स्ट्रेस ना आए। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कमर थोड़ा सीधी रखना है। वैसे आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कैसे भी बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। ये भी जरूरी है कि आपको या तो नीचे बैठना होगा, आप कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी समय लगाया जा सकता है, सुबह लगाया जा सकता है, दोपहर में लगाया जा सकता है, रात में भी लगाया जा सकता है। तो ध्यान के लिए पहले आपको आराम से बैठना होगा, फिर आपको जो है बाहर के जितना भी एनवायरमेंट से कट करना होगा अपने आप को। तो उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और जितना ज्यादा हो सके आप अपने इंटरनल जो सेंसेज हैं उस पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आप बैठने के बाद आंख बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। कुछ टाइम के लिए जब आप गहरी सांस 4-5 बार ले चुके होंगे तो आपको लगेगा कि आपके माइंड में कुछ विचार आ रहे हैं आंख बंद करते ही। ये विचार कैसे भी हो सकते हैं, आपके डेली रूटीन वर्क के हो सकते हैं, आपको किसी काम के हो सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड्स के हो सकते हैं, रिलेटिव्स के हो सकते हैं, कोई और टेंशन के हो सकते हैं, कोई भी विचार हो सकते हैं। लेकिन आपको विचारों के साथ में जुड़ना नहीं है, आपको विचारों को आने देना है एंड लेट देम गो। मीन्स आपको उनके हाथ में कोई बॉन्डिंग या अटैचमेंट नहीं करनी है, उन विचारों को आने देना है और उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, उनको बस निकल जाने देना होता है। फिर उसके बाद दूसरे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए आपके पास बहुत सारे विचार आएंगे। लेकिन जब आप कंटिन्यू इस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो माइंड लेवल है या माइंड की जो एनर्जी है वो कम हो गई है, विचार धीमे हो गए हैं आने, और आपका जो जो माइंड स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगा। जैसे धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं आगे, तो आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, किसी भी विचार का ना होना माइंड में, यही एक ध्यान की अवस्था है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर अचानक अंदर से खुशी निकल रही है, या फिर आपको खुश होने का मन करेगा। तो यही दोस्तों ध्यान की अवस्था है और ध्यान को करना चाहिए जरूर। तो इस तरह से हम अपना ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में आप 10 मिनट का एक रूटीन लेंगे, किस लिए कि 10 मिनट आप 10 दिन या 15 दिन के लिए 10 10 मिनट आप ध्यान करेंगे। जैसे जैसे आप इसको फॉलो करोगे तो आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट से 15 मिनट कर सकते हैं। और एक साइंटिफिक प्रूफ भी है कि आप अगर 8 हफ्ते यानी कि 8 वीक्स आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक अपने माइंड में एक और बॉडी में एक अलग कुछ अलग होने का महसूस होगा। मीन्स आपको अपने अंदर एक चेंज महसूस होगा। और साइंटिफिक प्रूफ भी है ये कि आपके जो माइंड होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है मेडिटेशन करने के बाद, 8 वीक्स के बाद। और आपका स्ट्रेस लेवल के जो पॉइंट्स होते हैं या जो स्ट्रेस लेवल का है जो माइंड के अंदर, वो कम हो जाता है और एक हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन का वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं इसके बारे में। और मेडिटेशन जरूर कीजिए और अपने लाइफ को चेंज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सलाम इंडिया।